नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बार फिर बात केजरीवाल एंड कंपनी की। सरकारी दफ्तर से, दिल्ली सचिवालय के अंदर सरकारी दफ्तर से फाइलें चोरी करने के आरोप में दिल्ली के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज जल्दी ही जेल जाने वाले हैं। जी हाँ, इस बार सौरभ भारद्वाज की बारी है और वो जेल की हवा जल्दी ही खा सकते हैं। ये मामला बेहद संगीन था। सौरभ भारद्वाज पर बहुत सीधे सीधे आरोप हैं कि उन्होंने एक अधिकारी के दफ्तर में रात के अंधेरे के अंदर चोरी कराई, महत्वपूर्ण कई महत्वपूर्ण फाइलें चोरी कराई और कई को कॉपी करा के रख लिया गया। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरा मामला दिल्ली सचिवालय के दफ्तर के बाहर गैलरी में, लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात दर्ज हुई है। और इस वारदात की शिकायत बाकायदा एलजी से लेके गृह मंत्रालय तक की गई है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला था। दिल्ली के इतिहास में बीते 60 सालों के अंदर ये अपने तरीके का पहला मामला था जिसमें कि एक मंत्री अपने ही बड़े एक अधिकारी के दफ्तर में चोरी कराता है, उस वहाँ से फाइलें गायब कराता है। और फाइलें भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन फाइलों के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के शिकंजों के पीछे जा सकते थे। इतनी महत्वपूर्ण फाइलों को एक मंत्री ने अपने अपने राजनीतिक रसूख के चलते, अपने प्रभाव के चलते सचिवालय के दफ्तर से चोरी कराया। ये बहुत ही गंभीर मामला था। विजिलेंस विभाग के सचिव YV राजशेखर ने 29 मई को इस मामले की सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन यानी ACB को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके कार्यालय से उनकी अनुपस्थिति में उन्हें बताए बिना, उन्हें खबर किए बिना उनके दफ्तर को खोला गया। मंत्री सौरभ, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि मंत्री सौरभ भारद्वाज के इशारे पर उनके दफ्तर को रात के अंधेरे में खोला गया और वहां से कई अति महत्वपूर्ण फाइलों को या तो गायब कर दिया गया है या फिर उनकी फोटोकॉपी करा ली गई है। ये जो रिपोर्ट थी, 31 मई को सतर्कता विभाग ने दिल्ली पुलिस को इसको भेज दिया FIR दर्ज करने के लिए। और 1 मई को IP स्टेट थाने में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली। और ये FIR धारा IPC की धारा 380, दफ्तर में चोरी, 464 फर्जी दस्तावेज बनाना, 465 फॉर्जरी करना और 120 भी, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, 120 भी आपराधिक षड्यंत्र यानी के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला दर्ज किया है। ये बेहद गंभीर सेक्शन है IPC के अंदर। और इसमें जो फंसता है वो उसको बिना प्रूफ किए उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। किसी मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा सेक्शन माना जाता है IPC के अंदर। राजशेखर ने मुख्य सचिव समेत गृह मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा था और उन्होंने दावा किया था कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात को उनकी अनुपस्थिति में सचिवालय की चौथी मंजिल पर स्थित उनके कमरे में कई बड़े मामलों की फाइलों को या तो चोरी कर लिया गया या कई फाइलों को कॉपी फोटोकॉपी कराकर कहीं छिपा दिया गया है। और इस मामले पर उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार करते हुए इस पूरे मामले की शिकायत की थी। इसमें केजरीवाल के हाल ही में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी के आम मुख्यमंत्री के शीश महल से जुड़े हुए मामले की फाइलें भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जिन्हें गायब करा लिया। इसके अलावा इसमें एक NGO के फर्जी लेटर हेड पर राजशेखर की खिलाफ शिकायत, फर्जी तरीके से शिकायत किए जाने का भी इसमें जिक्र किया गया था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि
हमने उस रात के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है और उस पर जांच की जा रही है। जैसे ही जांच पूरी होगी इस मामले पर आगे कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस मामले में मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वी राजशेखर को बहुत ही भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारी बताने की और जताने की कोशिश और साबित करने की कोशिश करते रहे हैं और वो अपनी सफाई में भी यही कहते हुए नजर आए हैं। ऐसा कोई मामला उन्होंने नहीं कहा, ऐसी कोई बात सौरभ भारद्वाज ने नहीं बताई जिससे ये पता चले कि उस रात उन्होंने या उनके इशारे पर या किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के दफ्तर से फाइलें क्यों चोरी कराई गई, उसका क्या कारण था, कौन लोग थे वो जो जिन्होंने चोरी की है और जो सीसीटीवी फुटेज में आए हैं और किसने उन लोगों को भेजा था। ये बेहद गंभीर मामला है और केजरीवाल जैसे जो लोग हैं वो अपने खिलाफ इसीलिए इसी तरीके से सबूत मिटाते रहे हैं, इसी तरीके से अपने आप को अच्छा साबित करके भगत सिंह की वंशज और कट्टर ईमानदार जैसे सर्टिफिकेट अपने आप ही खुद ही दिल्ली सरकार के बनाकर वो उनको देते रहे हैं, विभूषित करते रहे हैं इन चीज़ों से। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, आने वाला समय केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। इस मामले में FIR दर्ज हो गई है, अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई कब तक करती है और सौरभ भारद्वाज के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। जी हाँ, वो इस मामले में जेल भी भेजे जा सकते हैं, ये अब जल्दी ही सामने आ जाएगा क्योंकि FIR दर्ज हो गई है, कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जय हिंद, जय भारत।